पहले हम लोग आपसे नमस्कार करेंगे, और मैं सूरजराज एक्टर डायरेक्टर पाली सिंह का भाई। सूरजराज जी, जानना चाहेंगे आपने किस लिए मीडिया बुलाई है, कुछ खास वजह? खास वजह ये है कि मेरी हिंदी फिल्म आ रही है कॉटेज नंबर 1303, और उसको यूट्यूब पे ट्रेलर उसका लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं। और दूसरी फिल्म है मेरी आसरा, पंजाबी मूवी, और एक मूवी मैं लॉन्च कर रहा हूँ नशा, जो आप लोग सामने पहले ही मैं कर चुका हूँ। मैं 2 दिन बाद उसका शूट स्टार्ट कर रहा हूँ, और हमारे भाई साहब गए हैं सिग्नल लोकेशन देख रहे, डायरेक्टर बाली जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और मीडिया के सामने इसलिए आप लोग बुलाया मैं। जो चीज़ मैं लॉन्च करूँगा, कह सकूँ सबसे ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। बाली जी के भाई हैं आप, और सूरजराज जी ने बहुत मतलब सपोर्ट बाली जी का पाया है, तो आज अपने आपको कहाँ फील करते हैं? और जैसे कि हिंदी की बात की आपने, पंजाबी की बात की, भोजपुरी बैकग्राउंड होने के बाद आपने हिंदी पंजाबी फिल्म की, इसके बारे में क्या कहें? ऑलरेडी जब भी मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग काफ़ी टाइम के लिए थोड़ा हल्के हो गए थे, और अभी मेरे भाई लोकेशन देखने गए तो हम लोग अपने पैर पर वापस आ गए, और वो डायरेक्शन कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस करेंगे, वो भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं देते प्रोड्यूस में। और उनका खुद का बाली एंटरटेनमेंट है, जो उन्हीं के बैनर तले फिल्म बनी है, नशा हो गया, आशा हो गया, और कॉटेज नंबर 1303। इन तीनों फिल्मों की बात करें, सबसे पहले आपको दर्शक कौन सी फिल्म में देखेंगे, रिलीज़ कौन सी पहले? सबसे पहले मैं करूँगा कॉटेज नंबर 1303, मेरी हिंदी फिल्म है, और मैं अभी 6 महीना पहले इसको शूट किया था, और काफ़ी ज़ोरों में काम स्टार्ट किया और कंप्लीट भी हो गई, और यूट्यूब पे मैं उसका ट्रेलर लॉन्च करने जा रहा हूँ। कॉटेज नंबर 1303 की बात करें, तो इसमें स्टार कास्ट की और आपकी क्या मतलब स्क्रिप्ट होगी, और क्या कहानी है इस फिल्म की, इसके बारे में? कहानी इसकी ऐसी है कि एक गरीब घर की लड़की रहती है, और उसको बहुत बड़ा स्टार बनना रहता है, और बाप उसका बहुत गरीब है, और लड़की किस तरह से मानव पढ़ाई करती है और कुछ करना चाहती है, और कुछ कॉलेज के लड़के लोग उसको बुरी तरह से मतलब छेड़ना, ये सब करना, गलत करना। तो फिलहाल ऐसा उतना तो दिखाया नहीं उसके अंदर मैंने, लेकिन उसको दिखाया कि गरीब लड़की किस तरह से अपने हालात से गुजर के उसको एक स्टार बनना है, और बन नहीं पाती है, और वो सुसाइड कर लेती है। बात करें बाली जी की, बाली जी ने बड़े बड़े स्टारों को स्टार बनाया है, जिन्होंने सोचा भी नहीं हुआ कि हम कहाँ हैं, तो आज अपने आप को आप कहाँ फील करते हैं डायरेक्शन में बाली जी का? एज ए भाई नहीं, एक ब्रदर आपके अलग हैं, लेकिन डायरेक्शन आपने किया उनके साथ, उन्होंने फिल्म की आपके साथ, तो आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? इसलिए क्या जो आज स्टार बन गया, ऐसा नहीं वो लोग हमें भूल गए हैं, कोई किसी को भूला नहीं है। आज फिलहाल क्या है कि उन लोग के पास टाइम नहीं है, फ़ोन होते आते हैं, कॉलिंग होता है, हाय हेलो होते हैं, कोई किसी को बुला नहीं, ऑलरेडी वो लोग अपने काम में बिजी। आप अपने आप को कहाँ फील करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ? मैं अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि वो हमारे बड़े भाई डायरेक्टर हैं, जो आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ। फिल्म की बात करें, फिल्म कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगी? बहुत जल्द। गाने किस तरह के हैं फिल्म? गाने बहुत अच्छे अच्छे इसके गाए हैं, अगर बात करें तो सिंगर उसमें पंजाब का है, 2 सिंगर हैं, और 2 सिंगर अपने इंडिया के बॉम्बे से लिया मैंने, लेडी सिंगर है उसके अंदर, मैं लोग का नाम नहीं बताना चाहता। एक्ट्रेस से कैसा आपका तालमेल रहा फिल्म के अंदर, और एक्ट्रेस का नाम क्या है, फिल्म में वो किस तरह की दिखेंगी, रोल करते हुए? एक्टर्स जो इसमें कॉटेज नंबर 1303 में किया है, विविधा करके जो सीरियल पहले सिया के राम कर रही थी, उसमें लीड में हीरोइन है, और एक दूसरी लड़की है डॉल्सी मोसेस, जो सेकेंड लीड हीरोइन का काम किया उसने, और एक बंदा नया है जो उसमें हीरो है, तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोग के साथ में काम करके, और देखना अभी एक फिल्म लॉन्च करने के बाद थिएटर में बैठ के देखने तो किस तरह से दिखता है, वो चीज़ मैं आपको बहुत जल्द दिखाना चाहता हूँ। और यही इतना ही मैं कहूँगा आप लोग से कि मेरी फिल्म को देखें, मेरे यूट्यूब पे मेरे ट्रेलर देखें, उसको लाइक करें और आगे बढ़ाएँ। और अच्छे से बात करें, बाली जी की चैनल भी लॉन्च कर रहे थे वो, तो उसमें हो गया चैनल लॉन्च, के भी होना बाकी? नहीं, उनका चैनल लॉन्च हो गया, बाली इंटरटेनमेंट। तो अब इसके अलावा ये कॉटेज नंबर 1303 के बाद और कौन सी आपकी फिल्म आने वाली? अभी फिल्म में यही बताया आपको थोड़ा टाइम पहले, मैं नशा कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं पहले मीडिया के सामने कंप्लीट हो चुकी है। नहीं, कंप्लीट थोड़ी बहुत हुई है, अभी इसका शूट और बाकी है करना, तभी वो शूट करेंगे। तो नशा में कैसा किरदार होगा आपका, कितना अलग? नशा मतलब वो चीज़ ऐसा है कि एक अमीर घर का लड़का और गरीब घर की लड़की, पैसा और जो प्यार होता है
वो चीज़ उसके अंदर है, वो चीज़ नशा, मतलब इंसान पीना खाना और अपनी दौलत को सबको भूल के परिवार भूल जाना, वो चीज़ मैं उसमें दिखाना चाहता हूँ कि और पहले आगे कुछ और करो बनो फिर उसके बाद प्यार करो। अच्छा, और दर्शकों से आप क्या कहेंगे, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फैन हैं, उनसे आप अपने बारे में कुछ शेयर करेंगे कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, आप अभी एज ए आज जो स्टार भी हो लॉन्च कुछ हो भी रहे हो हैं। सब उन लोग की कृपा है, उन लोग का आशीर्वाद है। आज जो भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोग के सामने हूँ, हम वो लोग जहाँ हैं उनसे प्रणाम करता हूँ, और जहाँ भी रहें वो लोग खुश रहें और दुआ करें हम और आगे निकलें।